एटम, एग्जैक्टली एटम होता कैसा है? ये सवाल इंसानों को काफी सालों से बहुत बहुत परेशान किया है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले सामने आए थे थॉमसन। उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, जिसे कि थॉमसन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। उसे आगे चल के मॉडिफाई किया था, थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल वे में उसे एक्सप्लेन किया था रदरफोर्ड ने, लेकिन उसका भी कुछ ड्रॉबैक्स था। उन खामियों को दूर करते हुए नील्स बोर ने अपना एक्सप्लेनेशन दिया एटॉमिक मॉडल पे। उन्होंने तीन पॉस्टुलेट्स लिए। उनमें से उनका जो सेकेंड पॉस्टुलेट था, यह बहुत ही हैरान कर देने वाला पॉस्टुलेट था। क्या था वो? नील्स बोर ने यह कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, ये अगर न्यूक्लियस है तो इसके चारों तरफ जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि ऐसे ऑर्बिट में घूमते हैं, ये जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स है ये किसी भी रैंडम ऑर्बिट में नहीं घूम सकता है, बल्कि ये सिर्फ उन्हीं अलाउड ऑर्बिट्स में घूम सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जिसके लिए कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम ये बराबर हो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई। इसे रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट भी कहा जाता है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, फिर आगे चल के इसका जो एक्सप्लेनेशन है, जिसे कि पहली बार डेब्रॉय ने दिया था, उस एक्सप्लेनेशन को समझेंगे कि ऐसा क्यों है। तो अकॉर्डिंग टू नील्स बोर, उन्होंने ये कहा कि ऐसा एंगुलर मोमेंटम को इस टर्म के बराबर होना, और यहां पर ये जो एन है, ये एन ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। चलिए इस एक्सप्लेनेशन को समझने से पहले एक बार एग्जैक्टली समझ लेते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। तो यहां पर जो पहला ऑर्बिट होगा, चलिए फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, ये न्यूक्लियस, जो पहला ऑर्बिट है, इस पहले ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है, ये अगर L1 है तो इस L1 को इसे बराबर होना होगा, पहले ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू 1 होगा, सो 1 इंटू एच डिवाइडेड बाय 2 पाई। आप इस एंगुलर मोमेंटम को ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम जो है ये बराबर होता है जो लीनियर मोमेंटम है इंटू जिस रेडियस में वो घूम रहा है वो ऑब्जेक्ट। सो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले ऑर्बिट में अगर इसका एंगुलर मोमेंटम L1 है तो वो बराबर होगा इलेक्ट्रॉन का मास इनटू उसका जो वेलोसिटी है, चलिए V1 मान लेते हैं। सो यहां पर वेलोसिटी की जगह स्पीड कहना ज्यादा बेहतर होगा। सो ये जो स्पीड है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के लिए, ये अगर V1 है सो वो V1 इनटू इसका जो रेडियस है, ये जिस रेडियस के सर्कुलर पाथ में ये घूम रहा है, सो वो रेडियस अगर R1 है सो एम वी वन आर वन इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय 2 पाई। उसी तरह से जो सेकेंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उसके लिए एंगुलर मोमेंटम, अगर वो एंगुलर मोमेंटम L2 है और इसका जो रेडियस है, ये रेडियस अगर ये R2 है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसका जो है उसका मैग्नीट्यूड अगर V2 है, तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो M V2 R2 है ये बराबर होगा, n का वैल्यू अब 2 हो जाएगा, सो 2h डिवाइडेड बाय 2 पाई। मैं 2 को कैंसिल नहीं कर रहा हूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूं। सो यहां पर हम कह सकते हैं किसी भी ऑर्बिट के लिए, nth ऑर्बिट के लिए जो एंगुलर मोमेंटम है, तो उसे हम l सब n कहेंगे। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि रिवॉल्व कर रहा है nth ऑर्बिट में, इनका वैल्यू कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4, वो बराबर होगा इस टर्म के। तो इसी को अगर इस तरह के फॉर्म में हम लिखते हैं तो हम कुछ ऐसे लिखेंगे, दैट इज सेम एज एम वी एन आर एन इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। यहां पर वी एन है nth ऑर्बिट में रिवॉल्व करता हुआ इलेक्ट्रॉन का स्पीड, और आर एन है उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो। तो ये था बोर का सेकेंड पॉस्टुलेट, जो कि बहुत ही हैरान कर देने वाला पॉस्टुलेट था। ये उन्होंने 1913 में ये ऐसा कहा,
ये पॉस्टुलेट्स, ये तीनों पॉस्टुलेट्स उन्होंने लिए थे, उनमें से ये दूसरा पॉस्टुलेट है। पर ऐसा क्यों है, इसका क्या एक्सप्लेनेशन है? पहली बार इसे एक्सप्लेन किया था डेब्रॉय ने। क्वांटम मैकेनिक्स के फील्ड में ये बहुत बड़ा नाम है, लुई डेब्रॉय, जिन्होंने डेब्रॉय हाइपोथेसिस दिया था, और वहीं से शुरू हुआ था मैटर वेव का कॉन्सेप्ट, और वही मैटर वेव का कॉन्सेप्ट आगे चल के वेव फंक्शन बना, जिसे कि श्रोडिंगर ने, एरविन श्रोडिंगर ने डेवलप किया था, और वहीं से आगे उसी के चारों तरफ आप कह सकते हैं रिवॉल्व करता है क्वांटम मैकेनिक्स। तो यही जो डेब्रॉय है, इन्होंने पहली बार अपने तरीके से इसे एक्सप्लेन किया था कि ऐसा क्यों है। अपने तरीके से कहने का मेरा मतलब यह है कि उनका जो हाइपोथेसिस था, डेब्रॉय हाइपोथेसिस, सो डेब्रॉय हाइपोथेसिस से उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था। चलिए देख लेते हैं डेब्रॉय हाइपोथेसिस क्या है। सो डेब्रॉय हाइपोथेसिस ये कहता है कि अगर कोई भी बॉडी, एक एम मास का बॉडी अगर मूव कर रहा हो, सो उसके मोशन के कारण उसमें एक मोमेंटम आता है। सो इसके पास मान ले ये मोमेंटम पी है, तो ऐसे में इसके साथ एसोसिएटेड होता है एक वेव, जिसे कि कहा जाता है मैटर वेव, मैटर वेव। और ये पी, दैट मीन इस पार्टिकल का मोमेंटम, और इस मैटर वेव का जो प्रॉपर्टी है वो इंटर रिलेटेड है। इस मैटर वेव का जो वेव लेंथ है ये अगर लैम्डा है, सो लैम्डा और पी कुछ इस तरह के रिलेशन से रिलेटेड है कि ये जो पी है ये बराबर है प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय लैम्डा। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, जो लैम्डा है दैट इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ये क्या है, यही डेब्रॉय हाइपोथेसिस है। और इसी से उन्होंने आगे चल के इसे, ये जो बोर का सेकेंड पॉस्टुलेट है, इसे एक्सप्लेन किया था। देख लेते हैं उन्होंने कैसे इसे एक्सप्लेन किया था, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें जो कि हमें पता होना जरूरी है। मान लेते हैं कि एक स्ट्रिंग है, आपने दोनों तरफ से एक स्ट्रिंग को टाइटली बांध दिया है, ये वो स्ट्रिंग है, आपने इसे टाइटली बांध दिया है। अब इसमें अगर आप वेव क्रिएट करते हैं, दोनों तरफ से ये बंधा हुआ है, तो कैसे कैसे वेव्स पॉसिबल है? क्या कुछ इस तरह का वेव पॉसिबल है, ऐसा वेव पॉसिबल है? नहीं, ऐसा वेव पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये मूव नहीं कर पाएगा। तो कैसा वेव पॉसिबल है? कुछ ऐसा वेव पॉसिबल है, ये एक केस है, पहला केस है, इस तरह का एक स्टैंडिंग वेव बनाएगा, ये सब आपने इससे पहले पढ़ा ही होगा। या फिर वेव जो है कुछ ऐसा भी बन सकता है, वेव कुछ ऐसा बन सकता है कि इसका एक नोड यहां पर रहे और जो एंड पॉइंट है वहां पर ये ऐसे मीट करे, तो एक स्टैंडिंग वेव कुछ इस तरह का भी बन सकता है। वहीं पर अगर मान ले कि आपने एक स्ट्रिंग को टाइटली बांध दिया है, स्ट्रिंग को हमने सर्कुलर, ऐसे सर्कुलर शेप में टाइटली बांध दिया है, कैसा बांधा है, यहां से बांध दिया रस्सी से, किसी रिजिड सपोर्ट से, यहां से भी बांध दिया, यहां से भी बांध दिया, बहुत बहुत सारे जगह से इस तरह से बांध दिया कि ये जो है ये सर्कुलर शेप में रहे। अब अगर मान ले कि आप इसे प्लक करते हैं, खींचते हैं, तो कैसे कैसे वेव्स पॉसिबल है? क्या ये वेव पॉसिबल है? चलिए मैं ड्रॉ करता हूं, क्या ये एक पॉसिबल वेव होगा? ये एक वेव, क्या ये ऐसा पॉसिबल होगा? आप खुद कहें ऐसा पॉसिबल वेव हो सकता है? यहां पर देखिए, इस पॉइंट को अगर देखें रस्सी का, ये क्या साइमल्टेनियसली इन दोनों जगहों पे रह सकता है? नहीं रह सकता है। सो ये पॉसिबल केस नहीं है, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है। तो फिर क्या हो सकता है? यहीं पर अगर आप उसी रस्सी को फिर से हम बांध देते हैं, फिर से हम उसे प्लग करेंगे, सो यहां पर चारों तरफ से ये बंधा हुआ है, सो पॉसिबल केसेस, पिछला केस तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता, पर ये आप देखें क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसे वेव निकला और ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे, ये देखें ये एक पॉसिबल केस है।
उसी तरह से अगर एक और केस हम कंसीडर करते हैं, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है और इसे हम प्लग कर रहे हैं और कुछ ऐसे प्लग करेंगे कि इसमें वेव क्रिएट होगा, तो एक पॉसिबल केस ऐसा भी हो सकता है, कुछ ऐसा। मतलब यहां पर जो वेव बन रहा है, ये वेव खुद को रीइंफोर्स कर रहा है, जबकि इस केस में ऐसा नहीं हो रहा था। सो ये पॉसिबल केस नहीं है, बल्कि ये और ये सारे पॉसिबल केसेस हैं। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि यहां से लेके यहां तक ये एक वेवलेंथ है। सो अगर ये सर्कुलर पाथ, इसका रेडियस अगर आर है, तो इसका जो सरकमफेरेंस है जो कि बराबर है 2 पाई आर के, ये बराबर होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा के, जबकि इस केस में ऐसा नहीं है। एक वेव यहां से यहां, ये दूसरा वेव और ये एक वेव से थोड़ा कम। सो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा नहीं है ये, यहां पर जाके एक पूरा वेव बना। सो यहां पर 3 लैम्डा है, 3 लैम्डा का वेव है, लेकिन ये 3 लैम्डा पूरे एक सर्कमफेरेंस में कंप्लीट नहीं हो रहा, इसीलिए ये पॉसिबल केस नहीं है। जबकि यहां पर देखे 4 लैम्डा है, ये जो वेव बन रहा है ये एक है, उसी तरह से ये दूसरा है, ये तीसरा वेवलेंथ है और ये 4 वेवलेंथ। सो ये पूरा मिला के एक सर्कमफेरेंस बन रहा। इस केस में ये जो एन का वैल्यू है, इस केस में एन का वैल्यू 3 है और इस केस में n का वैल्यू 4 है, जबकि इस केस में n डज नॉट बिलोंग टू एनी इंटीजर। सो ये पॉसिबल केस नहीं है। डेब्रॉय के हिसाब से, उसके हाइपोथेसिस के हिसाब से, जब भी ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो जब भी ये रिवॉल्व कर रहा हो तो इसके साथ एसोसिएटेड होगा एक मैटर वेव। क्यों होगा? क्योंकि इसके पास रहेगा एक मोमेंटम, उस मोमेंटम के कारण इसके साथ एसोसिएटेड होगा मैटर वेव। मैटर वेव का प्रॉपर्टी भी इस स्ट्रिंग के वेव के प्रॉपर्टी जैसा ही उन्होंने माना। मतलब कि इस तरह के केसेस जो हैं, इस तरह के केसेस पॉसिबल नहीं है, जबकि इस तरह के केसेस पॉसिबल हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो उनके एक्सप्लेनेशन या फिर कहें उनके हाइपोथेसिस के हिसाब से कैसा कैसा ऑर्बिट पॉसिबल है। तो चलिए, ये न्यूक्लियस है, हम एक आर्बिटरी ऑर्बिट कंसीडर कर रहे हैं। चलिए एन का वैल्यू 4 है मान रहे हैं। सो यहां पर जो वेव बनेगा, जो मैटर वेव बनेगा, इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव कर रहा, तो इसके कारण जो मैटर वेव बनेगा वो मैटर वेव कुछ ऐसा पॉसिबल मैटर वेव हो सकता है, ऐसे यहां पर जो n है, n का वैल्यू कितना है देखें, n का वैल्यू जो है ये 4 है। सो ये जो मैटर वेव है, ये 4 लैम्डा का मैटर वेव, ये 4 वेवलेंथ का जो वेव बना, ये पूरे सर्कमफेरेंस के बराबर होगा। सो ये एक पॉसिबल केस है। सो n का वैल्यू यहां पर अगर 4 हम कहते हैं, सो ये पॉसिबल है। उसी तरह से n का वैल्यू अगर 3 है, सो ये भी पॉसिबल केस होगा। n का वैल्यू अगर 2 है तो ये भी पॉसिबल केस होगा। n का वैल्यू 1 हो तो ये भी पॉसिबल केस होगा। उन्होंने ये कहा कि जो पहला ऑर्बिट होगा वहां पर जो नंबर ऑफ वेव्स बनेंगे या फिर जो नंबर ऑफ वेवलेंथ बना के पूरा का पूरा सर्कमफेरेंस को वो कवर कर जाएगा, वहां नंबर ऑफ वेवलेंथ जो है 1 होगा फॉर फर्स्ट ऑर्बिट। फॉर सेकेंड ऑर्बिट एन का वैल्यू जो है, ये एन का वैल्यू 2 होगा। दैट मीन अगर मैं इसे ड्रॉ करता हूं तो पहले ऑर्बिट में जो वेव्स है, वो वेव्स जो है वो कुछ इस तरह बनेगा। यहां से देखे ये एक वेव बना, पूरा एक वेवलेंथ। उसी तरह से जब n का वैल्यू 2 होगा तो जो मैटर वेव है वो कुछ इस तरह का शेप लेगा, इस तरह का शेप लेगा। यहां पर 2 वेवलेंथ्स हैं देखे, यहां से लेके यहां 1 और ये 2। उसी तरह से थर्ड ऑर्बिट जो होगा वहां पर, थर्ड ऑर्बिट में
तीन वेवलेंथ रहेंगे, तीन वेवलेंथ का वेव रहेगा, मैटर वेव. सो वहां पर आपको कुछ ऐसा दिखेगा, या फिर कहें ऐसा होगा, जो जो मैटर वेव है उसका शेप जो है उनके एक्सप्लेनेशन के हिसाब से वो कुछ ऐसा होगा. सो इस केस में एन का वैल्यू जो है, एन का वैल्यू 3 है. तो अब अगर यहां से हम आगे बढ़ते हैं, किसी भी आर्बिट्री ऑर्बिट को कंसीडर करते हैं. चलिए हम एक आर्बिट्री ऑर्बिट को कंसीडर करते हैं, एन इज इक्वल टू एम. सो वो एंथ ऑर्बिट जो है, वो एंथ ऑर्बिट ये है. अब एंथ ऑर्बिट का जो रेडियस है, वो रेडियस है आर सब एन. एंथ ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका जो स्पीड है ये है वी एन. तो यहां पर आप देखें कि उनके एक्सप्लेनेशन के हिसाब से ये जो नंबर ऑफ वेवलेंथ्स होंगे, यहां पर जो भी मैटर वेव बनेगा, जितना वेवलेंथ मिला के पूरा सरकमफेरेंस को ये कवर करेगा, ये नंबर ऑफ वेवलेंथ जो होगा ये एन होगा. सो एन नंबर ऑफ वेवलेंथ्स होगा. तो ये जो सरकमफेरेंस होगा ये किसके बराबर होगा, पहले तो देखिए, सरकमफेरेंस होगा किसके बराबर, 2 पाई इंटू इसका जो रेडियस है जो कि आर एन के बराबर है. इसे बराबर होना है एन लैम्डा के. लैम्डा क्या है यहां पर, लैम्डा है इस इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन यहां पर रिवॉल्व कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन ये है जो रिवॉल्व कर रहा है उसके साथ एसोसिएटेड मैटर वेव का वेवलेंथ. अब आप देखें, अकॉर्डिंग टू डेब्रॉय ये जो लैम्डा है ये बराबर हो जाएगा प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय उसके मोमेंटम के. तो हम इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि ये बराबर है एच डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ एंथ ऑर्बिट, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि एंथ ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, और मोमेंटम हमें पता है ये एम वी के बराबर होता है. सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू स्पीड, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन किस इलेक्ट्रॉन का जो कि एंथ ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है. सो अब यही लैम्डा का यही वाला वैल्यू यहां से अगर हम यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहां से आगे हम कहेंगे 2 पाई आर सब एन इज इक्वल टू एन इंटू लैम्डा की जगह एच डिवाइडेड बाय एम वी एन. अब अगर थोड़ा वैल्यूज हम इधर उधर ट्रांसपोज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखें एम वी एन को इस साइड में ले जाए और 2 पाई को आप इस साइड में ले जाए तो देखें क्या बनेगा, एम वी एन आर एन इज इक्वल टू एन इंटू एच ओवर 2 पाई. यही तो है, यही है बोर का सेकेंड पॉस्टुलेट. सो डेब्रॉय ने कुछ इस तरह से उनके सेकेंड पॉस्टुलेट को एक्सप्लेन किया और उन्होंने ये किया था 1923 में. तो इस वीडियो को यही खत्म करते हैं. अब जाते जाते मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो है ये दो प्लेलिस्ट्स में रहेगा, एक तो 12th के लिए जो एटम का चैप्टर है वहां पर, और दूसरा बीएससी के क्वांटम मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट में ये रहेगा. और उन प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैं यहां पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पर लिंक में क्लिक करके रिलेटेड प्लेलिस्ट में जाके बाकी सारे जो भी वीडियोज हैं उनको देख सकते हैं. तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. आगे के वीडियोस में हम इसी तरह से आगे के मुद्दों पे बात करेंगे. तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय.